गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का एक प्रॉब्लम समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई नोसिल लिमिटेड है जिसका ईवीआईटी 5 लाख है, उसके पास कैपिटल स्ट्रक्चर का कुछ पॉसिबिलिटी आया है प्लान 1 से लेके 5 तक। प्लान 1 के हिसाब से उसको डेब्ट कैपिटल होगा 3 लाख, कॉस्ट ऑफ डेब्ट देखिए 10% दिया है, डेब्ट कैपिटल होगा 4 लाख, 10% ही कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, डेब्ट कैपिटल 5 लाख, यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट चेंज हो गया 11%, 6 लाख अगेन चेंज हो गया 12%, और 7 लाख 14%। यहाँ देखिए कोई ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल इंप्लॉयड नहीं मालूम है। ओवरऑल कैपिटल इंप्लॉयड अगर पता होता तो ये डेब्ट कैपिटल माइनस कर देते तो इक्विटी आ जाता, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। बट यहां देखिए के दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ के वैल्यू ऑफ इक्विटी एस निकल जाएगा। ओके, और डेब्ट कैपिटल डी दिया हुआ है, एस के साथ डी करेंगे प्लस तो भी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेब्ट। हम लोग के पास ईबीआईटी है, ईबीआईटी डेब्ट कैपिटल है, डेब्ट से इंटरेस्ट निकाल के माइनस करेंगे अर्निंग आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ के ई हम लोग एस निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेब्ट पता है, दोनों प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा पॉसिबल जो है आप रिकमेंड करिएगा, तो जहां वैल्यू ऑफ फर्म हाईएस्ट आएगा मैक्सिमम आएगा उसको रिकमेंड कर देंगे। अब वैल्यू ऑफ फर्म अगर जान जाते हैं तो के ओ निकाल लेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई भी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई भी आ गया था, ईबीआईटी पता है। तो ये नेट इनकम अप्रोच का प्रॉब्लम हुआ, अंडर विच हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं एस प्लस डी के हिसाब से, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं ईबीआईटी बाई भी के हिसाब से। जहां वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा, उस प्लान को रेकमेंड किया जाएगा। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 5 प्लान है, प्लान 1 2 3 4 5। सबसे पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी दिया हुआ था तो ईबीआईटी आपका 5 लाख था, तो प्लान चाहे कुछ भी हो ईबीआईटी 5 लाख। तो प्लान 1 से लेके 5 तक ईबीआईटी 5 लाख, इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो, इंटरेस्ट आपका होगा डेब्ट इंटू के डी। जो डेब्ट है, जो प्लान के हिसाब से डेब्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा के डी करके, आप एक बार फिर से देख लो। ये 3 4 5 6 7 डेब्ट है, ये है के डी, 3 लाख का 10% 30,000, 40,000, 55, 72, 84। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो यहां लेस इंटरेस्ट में लाते हैं 30 40,000, 30,000, 40,000, 55,000, 72,000, अब वो 98 होगा एक्चुअली। अब इसको यहां से माइनस कर दो, माइनस करने से आएगा अर्निंग्स, अर्निंग्स ई आया, ये आया 470,
ये आया 460, ये आया 445, ये आया 428, ये आया 402। ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस कर दिए, अर्निंग आ गया। अर्निंग का अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज के। के दिया हुआ है 12%, 12.5%, 13.5%, 15%, 18%। आप के देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो, ये रहा के 12, 12.5, 13.5, 15 और 18। ओके, अब हम लोग यहां से वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज एस, अर्निंग डिवाइडेड बाय के। ये रहा अर्निंग 4,70,000 और के रहा 12%। ठीक है, 4,70,000 डिवाइडेड बाय 12% आया 39,16,667। बगल में 4,60,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, 36,80। 445,000 डिवाइडेड बाय 13.5%, 32,296. 4,28,000 डिवाइडेड बाई 15%, 28,53,333। 4,02,000 डिवाइडेड बाई 18%, 22,333। तो ये हम कैलकुलेट कर दिए आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी एस। इसमें वैल्यू ऑफ डेप्ट दैट इज डी प्लस कर देंगे। डी पता था, यहां 3,00,000 था, ये 4,00,000 था, ये 5,00,000 था, ये 6 था और ये 7। ओके, तो वैल्यू ऑफ डेट पे ही तो इंटरेस्ट आया था। अब इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज बी। इसको इसको प्लस कीजिए, 42,16,667, 40,80,000, 37,96,296, 34,53,333, 29,33,333। ये देखिए, यहां वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम है तो ऑप्शन वन ही बेटर है। अभी और बाकी, अभी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट कर देते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KO, KO बराबर होगा EBIT डिवाइडेड बाय B। यहां देखिए EBIT सब में 5,00,000 है, तो 5,00,000 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू ऑफ फर्म, तो यहां आएगा 11.86%, 12.25%। दैट इज 5,00,000 डिवाइडेड बाय 42, ये सबसे डिवाइड कर, 13.17%, 14.48%, 17.05%। ये देखिए, ये मिनिमम भी है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान वन दैट इज डेप्ट 3,00,000 है। ओके, यहां लिख देते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज प्लान वन डेप्ट
3 लाख, बिकॉज वैल्यू ऑफ फर्म भी 42,16,667 इज मैक्सिमम एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ 11.86% इज मिनिमम। ओके, तो सबसे पहले ईबीआईटी 5 लाख दिया हुआ था, डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके माइनस किए, अर्निंग आ गया, के ई दिया हुआ था, अर्निंग बाई के ई, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, डेप्ट प्लस कर दिए, वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, प्लान वन में वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम है, इसलिए प्लान वन ऑप्टिमम कैपिटल प्लान माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।